हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर कम्प्लीटली सेफ एंड हैप्पी। आई एम रीता तोमर, योर इंग्लिश टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द सेकेंड पोएम विच इज टेकन फ्रॉम योर पोएट्री सिलेबस। टाइटल ऑफ द पोएम इज द साम ऑफ लाइफ विच इज रिटन बाय H.W. लॉन्गफेलो। Before starting the poem, I request you to subscribe my channel, like my videos and share my videos. Thank you. Now start the topic. Student, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपका जो topic है आज वो है Psalm of the Life। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि P से starting है तो P क्यों नहीं बोला जा रहा है। इसमें P और L जो है silent रहते हैं, इस Psalm पढ़ा जाता है। Psalm का meaning होता है भजन या गीत या स्तुति। ठीक है, तो ज़िंदगी का जो भजन है, ज़िंदगी का जो गीत है, उसके बारे में लॉन्ग फेलो जो है यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको लॉन्ग फेलो का दूंगी। जो लॉन्ग फेलो है, ये एक अमेरिकन राइटर रहे हैं और इनका जो पूरा नाम था वो था हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्ग फेलो। और ये पोइट रहने के साथ साथ एजुकेटर भी थे और इनका जन्म हुआ था 27 फरवरी 1807 को। जगह थी पोर्टलैंड मेन, और जो क्या कहाँ पर पढ़ती थी, यूनाइटेड स्टेट में पढ़ती थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 24 मार्च 1882 को। ये भी कैम्ब्रिज में हुई थी और ये भी यूनाइटेड स्टेट में पढ़ता है। और ये जो थे, ये बहुत ही ज़्यादा जो कहते हैं उभरते हुए पोइट थे, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पोइट रहे हैं ये। उन्होंने एक प्रोफेसर के तौर पर भी काम किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। अब इनके जो वर्क है ये भी यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं, जिनको आप चाहे तो बुक से पढ़ लेंगे। इन्होंने बहुत सारे क्रिएशंस किए, बहुत सारे वर्क इनके आए हैं। जो वॉइस ऑफ द नाइट है, ये इनकी फर्स्ट कलेक्शन था पोएम का। इनके जो वर्क का यहाँ पर जो इन्होंने जो इंक्लूड किए गए हैं वो है पर्ल रिवर्स राइड, द सॉन्ग ऑफ हिवाथा, हाइप्रियन, अ रोमेंस, द गोल्डन लेजेंड। बहुत सारे इनके वर्क है, बहुत सारे हैं ना। और जिनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो थी इनकी ट्रांसलेशन, जो इन्होंने दांते की जो एक क्रिएशन थी एलिगरी, उसको डिवाइन कॉमेडी में इन्होंने जो ट्रांसलेट करके उसका नया नाम दिया था डिवाइन कॉमेडी। ये इनकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट मानी जाती है, सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि मानी जाती है। अब इस पोएम में पोइट क्या कहते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। पोइट इसमें हमें अपने कर्म के प्रति जागरूक करते हैं कि हमें अपने कर्म को करते रहना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक वीर योद्धा की तरह हमेशा अपने कर्म पर अड़े रहना चाहिए। और ज़िंदगी, जैसे कहा जाता है ना कि भाई ज़िंदगी का क्या है, माटी से हम बने हैं, माटी में मिल जाएंगे, ये सही नहीं है। केवल हमारी जो शरीर है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा रहती है। तो आत्मा के कर्मों को सुधारने के लिए हमें अपने कर्मों का निर्वाह करना होगा, हमें अच्छे कर्म करने होंगे, हमें हर अच्छी उपलब्धि को प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। अब स्टार्ट करते हैं पोएम को। देखिए, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। देखिए क्या कह रहे हैं कि ज़िंदगी है रियल, वास्तविक ज़िंदगी, वास्तविक है ज़िंदगी, सच है ज़िंदगी, एक सच है। लाइफ इज अर्नेस्ट, ज़िंदगी क्या है, निश्चित है, या कह सकते हैं कि ज़िंदगी जो है दृढ़ संकल्प है, जिसमें हमें हर बात को दृढ़ होकर स्वीकार करना पड़ेगा, हार नहीं माननी है, हर चीज़ का हमें जो है पूरे साहस के साथ सामना करना है। और यही मानना है जो हम हैं वही वास्तविकता है, और आगे के भविष्य जो होगा वो देखा जाएगा। अब जो है हम वही वास्तविकता है, और अब इस स्थिति से हमें कैसे पार होना है इसके बारे में सोच के चलना है, भविष्य की चिंता किए बिना। और यही क्या है जीवन की, यही वास्तविकता है, और यही हमें दृढ़ होकर करना होगा। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। और क्या कह रहे हैं पोइट, और जो ग्रेव है, ग्रेव क्या होती है, कब्र होती है, और कब्र में इंसान कब जाता है, जब वो मर जाता है। तो यहाँ पर ग्रेव का मीनिंग जो ये कहना चाह रहे हैं, मृत्यु से कहना चाह रहे हैं कि मृत्यु इसका लक्ष्य नहीं है कि आए कुछ दिन जिए, खाया पिया मजे लिए और मर गए, ये इसका लक्ष्य नहीं है ज़िंदगी का। ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, कुछ ऐसा करना ताकि ये दुनिया, ये समाज हमें याद रखे और हम उनके लिए एक मिसाल बन सके। हमारा जीवन का लक्ष्य मृत्यु नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट दाउ रिटर्न। देखिए बच्चों, ये जो कुछ वर्ड है यहाँ पर जो आपको समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही होगी, जैसे आर्ट क्या होता है, दाव क्या होता है, ये सब अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड है। दाव का मीनिंग यहाँ पर यू है और आर्ट का मीनिंग आर है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं पोइट, कह रहे हैं डस्ट मीन्स धूल या मिट्टी, मिट्टी है हो, यू आर यानी कि तुम क्या हो, तुम मिट्टी हो। एंड डस्ट टू रिटर्न
और तुमको क्या करना है, मिट्टी में ही मिल जाना है। ये कहा गया है कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही तुम्हें मिल जाना है। किसी की उन्होंने यहाँ पर जो है लाइन उठाई है, दिखा रहे कि एक वाक्य है जो बोला गया है कि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। वॉज नॉट स्पोकन टू सोल, ये आत्मा के बारे में नहीं बोला गया था। पोइट कह रहे कि ये जो बात किसी ने बोली है, जिस धर्मात्मा ने, जिस महान व्यक्ति ने ये बात बोली है, उसने ये आत्मा के बारे में नहीं बोली है, या आत्मा को हम कह नहीं सकते ऐसा कि मिट्टी में मिल जाएगी। वॉज नॉट स्पोकन यानी कि नहीं बोली गई थी, पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है, बोली नहीं गई थी ऑफ द सोइल आत्मा के बारे में, कि ये बात आत्मा के बारे में नहीं कही गई थी। जिसने भी ये बात कही है उसने ये बात आत्मा के बारे में नहीं कही है, उसने ये बात केवल क्या कही है, ये नश्वर शरीर के बारे में कही गई है, कि ये जो शरीर के लिए हम भागे फिरते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये आवश्यकता है, मुझे वो आवश्यकता है, तो इस शरीर पर घमंड नहीं करना है, ये तो मिट्टी का है और मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा अजर अमर है और उसी के कल्याण के लिए हमें सत्कर्म करने चाहिए। नॉट इन्जॉयमेंट एंड नॉट सोरो, न तो आनंद और न ही दुख, ना तो खुशी का माहौल और ना ही दुख का माहौल। इज योर डेस्टिनाइड, ये एंड और वे, या क्या कह सकते हैं कि इज मीन्स है, आवर डेस्टिनाइड यानी कि हमारा लक्ष्य, ठीक है, एंड अंत का, और वे या फिर रास्ता, कि हमारा जो ये जो खुशी है, खुशी है और ये जो दुख है, ये निर्धारित नहीं करते हैं, ये कोई रास्ता नहीं बनाते हैं हमारे, किसका, हमारे अंत का या हमारे कर्मों का, ये हमारे लिए सब कुछ नहीं हो सकते हैं। बट टू एक्ट ईच टुमोरो, दैट ईच टुमोरो, क्या कह रहे हैं, बट टू एक्ट, लेकिन कार्य करना, टू एक्ट यानी कि कार्य करना, दैट जो ईच टुमोरो, जो हर अगले दिन, हर अगले दिन का जो कार्य करना है, फाइंड अस फार्दर देन टूडे, फाइंड्स पाता है, लाता है अस हमें फार्दर, अधिक नज़दीक, देन टूडे, आज की अपेक्षा, किस चीज़ के करीब लाता है, हमें ईश्वर के करीब लाता है। ये कहते हैं कि ना तो कोई खुशी ना ही कोई गम, ये हमारे अंत का लक्ष्य नहीं है, कि हमारा अंत क्या है, भाई अंत में जाके हम ईश्वर से मिल जाएंगे, यहाँ पे हमारी मंजिल ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे हमारा रास्ता ख़त्म हो जाएगा, ये एंड नहीं है हमारी, जो हमारी जो भाग्य है, डेस्टिनी यानी कि भाग्य है, उसका अंत नहीं है, या हमारे रास्ते का अंत नहीं है ये जो खुशी और दुख है। बल्कि जो ये कर्म हम करते हैं, जो हमारे आने वाले कल में हम करेंगे, हर आने वाले कल का जो हमारा कर्म होगा, अच्छा कर्म होगा, है ना, ईच मीन्स प्रत्येक आने वाले कल का जो हमारा कर्म होगा, दैट मीन्स जो, है ना, वो क्या करेगा, वो हमें ला देगा उस ईश्वर के अधिक नज़दीक, कि हम कितना अच्छा कर्म कर रहे हैं, कितने नज़दीक हम भगवान के पहुंच रहे हैं, कितना हम भलाई में लोगों के कार्य कर रहे हैं। इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवोरेक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइव। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग भी ऐड किए हुए हैं, इनको आप जो है लिखेंगे और याद करेंगे। अच्छा, आप देखते हैं, इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कि जो संसार रूपी, देखिए इन्होंने कहा कि संसार का जो बड़ा फील्ड है युद्ध का, तो कहने का आशय क्या है, कि संसार, इन्होंने कहा इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड, संसार के चौड़े फील्ड में, चौड़े मैदान में, वो बैटल युद्ध के, संसार के युद्ध के चौड़े मैदान में, इसका कहने का क्या आशय है, कि संसार एक युद्ध की तरह है, इसमें हमें लड़ना है, अपने लिए लड़ना है, अपनों के लिए लड़ना है। हाँ, जिंदगी कहते हैं ना कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, तो ये जो संसार रूपी जो युद्ध का चौड़ा मैदान है, इसमें इन द ब्यूक ऑफ लाइफ, कि जो जिंदगी का अस्थाई जो पड़ाव है, कि हमें कुछ नहीं पता अगली जगह क्या होना है, आगे हमारे साथ क्या होगा, इसमें क्या करना है, बी नॉट लाइक डम, बनो मत, बीन मतलब बनो, नोट मत, बनो मत लाइक डम, गूंगों की तरह, ड्राइवन कैटल, भगा दिए खदेड़े जाने वाले भेड़ बकरी, कैटल क्या होते हैं, भेड़ बकरी, ड्राइवन खदेड़े जाने वाले, कि जैसे भेड़ बकरियों को खदेड़ दिया जाता है, वे डम होते हैं, बहरे, ओ सॉरी, वे क्या होते हैं, डम होते हैं, वे भगा दिए जाते हैं, गूंगे होते हैं ना, गूंगे जो भेड़ बकरी होते हैं बेचारे, उनको पता तो है नहीं कि हम अपनी बात कैसे एक्सप्लेन करें, जो गूंगे भेड़ बकरी होते हैं वे बोल कहते हैं ना कि बेचारा बेजुबान जानवर है, तो क्योंकि जानवर की भाषा को हम समझ नहीं सकते। तो जिंदगी का जो ये जिंदगी रूपी जो ये बड़ा युद्ध का मैदान है, जिसके अस्थाई पड़ाव है जिंदगी में, जो अलग अलग पड़ाव आएंगे, उसमें तुम गूंगे भेड़ बकरियों की तरह
खदेड़े जाने वाले भेड़ बकरियों की तरह मत बनो, जिनको कोई भी खदेड़ देता है, भगा देता है, भाग जाते हैं। बी अ हीरो इन द स्ट्राइव, बी बनो अ हीरो, एक हीरो यानी कि वीर, साहसी। हीरो का मतलब यहाँ पे वो नहीं है फिल्म वाला हीरो, यहाँ पर है साहसी या वीर। इन द स्ट्राइव यानी कि संघर्ष में, कि तुम तो एक हीरो एक वीर बनो संघर्ष के समय, यानी कि संघर्ष का जब टाइम आए तो तुम, जैसे जानवरों को भगा दिया जाता है किसी बलवान के द्वारा, कोई बलवान तुम्हारे सामने आए तो तुम उनकी तरह भागने लगो, बल्कि तुम्हें क्या है, तुम्हें डटना है युद्ध के मैदान में, हर परिस्थिति में का तुम्हें सामना करना है, उनसे हार नहीं माननी है और उनका सामना करते हुए तुम्हें एक वीर बन के दिखाना है। Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pushing, learn to labor and to wait. And देखे क्या कह रहे हैं, Let us then be up and doing. अब हमें let us हमें करने दो, then तब be up ऊपर उठना and doing और करने दो, अब हमें क्या है, चलो अब करते, खड़े होते हैं और करते हैं, ठीक है, अब खड़े हो जाओ और करो। अगर तुम्हें ये बातें समझ आ रही है तो तुम क्या करो, चलो खड़े हो जाओ और करो। क्या कह रहे हैं आगे, विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, पूरे मन के साथ, पूरे दिल के साथ, फॉर एनी फेट, किसी भी तरह के भाग्य के लिए तैयार हो गए, चाहे हार जीत मिले, चाहे हार मिले, चाहे जीत मिले, हर तरह से तैयार होके खड़े हो जाओ और करो, अपने दिल को तैयार करके। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, क्या चाहे तुम्हें क्या मिले, चाहे तुम्हें उपलब्धियाँ मिले, चाहे तुम्हें निराशा मिले, चाहे तुम्हें प्राप्ति मिले, चाहे तुम्हें क्या तुम्हें निराशा मिले, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, केवल तुम्हें क्या करना है, सीखना है, लर्न मीन्स सीखना है, लेबर कठिन परिश्रम को, कठिन परिश्रम को सीखो, एंड टू वेट और इंतजार करने को सीखो, इंतजार का फल मीठा होता है। तो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, खड़े होना है और अपने कर्मों को करना है, अपने मन को तैयार करके, किस चीज़ के लिए तैयार करके, किसी भी रिजल्ट के लिए, कि रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अचीविंग को मतलब प्राप्त करने को जारी रखना है, स्टिल मीन्स जारी रखना है, स्थिर रहना है, स्टिल मीन्स स्थिर रहना है, क्या करने के लिए स्थिर रहना है, कुछ चीज़ पाने के लिए स्थिर रहना है, और स्टिल यानी कि स्थिर रहना है तुम्हें क्या करने के लिए, जो पथ तुम्हें रास्ता दिखा दिया गया है, सही का जो रास्ता दिखा दिया है उस पर चलने के लिए, चाहे उसमें तुम्हें निराशा ही क्यों ना मिले, लेकिन उस पर तुम्हें स्थिर रहना है और केवल कठिन परिश्रम करना है और इंतजार करना है अपने भाग्य के बदलने का। तो बच्चों ये इस पोएम का ट्रांसलेशन था, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब आप ये वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।